सुबियो, गुड इवनिंग। आप एपिसोड अपॉइंट 4 हमने स्टार्ट कर रखी थी, इसके 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। इस प्रकार हमने लगभग आपके जो प्रश्नावलियां हैं वो 15-16 जो प्ले लिस्ट के अंदर सभी प्रश्नावलियां आपको दे रखी है, कक्षा 10 बोर्ड की। और इसमें हमने डेली टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रखी है 10th क्लास के, तो आप इसके अंदर वीडियो देख सकते हैं, उसमें डेली आप, और उसको आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इसमें एक घंटी भी है पास में, बेल है उसको दबा ले, जिससे पता चल जाएगा नए वीडियो आपको कब आ रहा है। अब हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे, अब जो 5वां क्वेश्चन आप दे रहे हैं वो एक बैलेंस शीशे का बना हुआ है। एक बैलेंस जो बेलनाकार आकृति है जिसकी त्रिज्या 4 सेमी, ऊंचाई 10 सेमी है, इसे पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो आपको पता है जिसे गोले से जो गोलियां बनाएंगे तो गोलियों की संख्या जितनी बनेगी और बेलन के शीशे में जितना वजन होगा दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो हमें जब इकाई ज्ञात करनी है तो बड़ा मान कितना है और छोटा मान कितना है दोनों क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया, पहले बेलन का आपको पिघला कर के तात्पर्य आपको क्या चाहिए, द्रव्यमान चाहिए, आयतन की जरूरत है आपको। तो आप सवाल को हल कैसे करोगे, देखिए हल करने का तरीका इसका, तो आपको दे रखा है बेलन की त्रिज्या, और जो बेलन की त्रिज्या है वो आपको क्या दी हुई है, कितने रखी है, 4 सेमी दी हुई है। बेलन की त्रिज्या आपको 4 सेमी दी हुई है, वो आपको 4 सेमी दी भी है। तो त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी आपके पास, आर मान लो इसको, कितनी मानी हमने 4 सेमी, ऊंचाई इसकी हो गई 10 सेमी। इसी प्रकार आपको इसके पिघला कितने गोले बनाए जा सकते हैं, तो 2 आपके क्या दे रखे हैं, गोले की त्रिज्या, और गोले की जो त्रिज्या दे रखी है वो क्या दे रखी है आपको, 2 सेमी दे रखी है। अब आपको क्या चाहिए, कितनी गोलियां बनाई जा सकते हैं, तो आप लोग क्या करोगे, गोलियों की संख्या शॉर्ट बता रहा हूं, अलग अलग आयतन भी याद कर सकते हैं। तो क्या लिख देंगे हम, बेलन का आयतन, बेलन के शीशे का आयतन, भाग किसका देना है, एक कितनी गोलियां बनाई जा सकती, कितने गोले, एक गोले का आयतन ज्ञात कर लेंगे, एक गोले का आयतन ज्ञात कर लेंगे, तो कुल कितना वजन होगा, उसमें एक में कितना है, तो टोटल उतने वजन कैसे। उसी प्रकार एक उदाहरण ले सकते हैं, मान लेते हैं एक 10 लीटर की बाल्टी है, उसमें पानी भरा हुआ है, आप कहते हैं कि बेलनाकार बर्तन एक एक लीटर की बोतलें भर दें, कितनी बोतलें भर जाएगी, 10 बोतलें भर जाएगी, एक का भाग दिया तभी तो आएगी, तो इसमें हमें पता नहीं है। तो बेलन का आयतन किस पर हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, इसमें आर बड़ा मान है बड़ा मान लो, और गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये सूत्र लगाते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसके अंदर बचा क्या, आर स्क्वायर, आर का मान 4×4×10/4, और ये 3 जो बटा में है तो 4 से बटा नहीं, ऊपर चला जाएगा आर क्यूब, तो इनका मान था 2×2×2 था, 2×2×2 था। अब उसको हम पूरा हल कर सकते हैं, जैसे 4 से 4, 2×2 4 गए, अब बचा क्या, 2×5 10, तो कितने आ गए, 5×3 बराबर कितने गोले बन गए इसके अंदर हमारे पास, 15 गोले बन जाएंगे, इसमें 2-2 सेमी त्रिज्या और कितने गोले बन जाएंगे, 15 गोले बन जाएंगे, ये आपके आंसर हो जाएंगे। सुनो आ गया होगा, कमेंट करके जरूर बताएं आपके समझ में आ गए हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खोखला गोल सेल 2 सेमी मोटा है, यदि इसकी बाएं त्रिज्या 8 सेमी है, इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। एक खोखला गोल सेल 2 सेमी मोटा है, मोटाई क्या दे रखी है आपको, 2 सेमी, इसकी त्रिज्या बाएं त्रिज्या दे रखी है, ये खोखला गोल में 2 त्रिज्या होती है, आंतरिक त्रिज्या और बाएं त्रिज्या। तो आपको क्या दे रखी है, इसके अंदर बाएं त्रिज्या दे रखी है, कितनी दे रखी है, 8 सेमी दे रखी है, बाएं त्रिज्या आपको दे रखी है, और आपको पूछा है मोटाई, मोटाई आपको दे रखी है इसके अंदर 2 सेमी, मोटाई कितनी दे रखी है आपको, 2 सेमी आपको मोटाई दे रखी है। अब आपको क्या चाहिए, आंतरिक त्रिज्या चाहिए, क्या चाहिए आपको, आंतरिक त्रिज्या चाहिए। तो आंतरिक त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बाएं त्रिज्या में से मोटाई को घटा दिया जाता है, तो बाएं त्रिज्या में से मोटाई घटा देंगे तो हमारे पास कितनी बचेगी, 6 सेमी बचेगी, इसमें लगी धातु का आयतन, तो धातु कहाँ लगी हुई है,
साइडों में लगी हुई है, किनारों पर लगी हुई है, तो जो पाइप भाग होगा आंतरिक भाग हटा देंगे। जैसे ये मोटाई हो गई इसकी पूरी, ये सिर्फ पाइप हो गया खोखला, अब इसके अंदर ये मोटाई, इसको हटाने ये भाग और ये भाग बीच का भाग हो गया, तो पूरे में से ये घटाना पड़ेगा, तो पूरे में से ये घटाना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि धातु में इसमें लगी धातु का आयतन, धातु का आयतन, तो सूत्र क्या बन गया, गोले का बाएं आयतन, गोले का बाएं आयतन माइनस गोले का अंत आयतन। अब त्रिज्या दो गई हमारे पास, तो इस त्रिज्या को हम ऐसे मान सकते हैं, इसको एक को आर वन मान लो, एक को क्या मान लेंगे आर टू मान लेंगे। सूत्र क्या लगाते हैं, चार बटा तीन पाई आर क्यू माइनस चार बटा तीन पाई आर टू क्यू। अब चार बटा दोनों में कॉमन है, इसका सूत्र क्या बन गया, याद भी रख सकते हैं, पाई कॉमन आ जाएगा, आर वन का क्यू माइनस आर टू का क्यू, क्या सूत्र बन गया इसका। ऐसे पूछ ले भी खोखले गोले का आयतन याद करने सूत्र क्या है, चार बटा तीन पाई आर वन का क्यू माइनस आर टू का क्यू। चार बटा तीन पाई का मान दिया हुआ है 22 बटा 7 आर वन का क्यू, तो आर वन कितनी आपके पास 8 है, आर का क्यू, आर टू का क्यू तो कितना हो गया 6 का क्यू। अब आगे हल कर सकते हैं आप, जैसे 4 बटा 3 गुणा 22 बटा 7 और 8 को कितनी बार गुणा करना है आपको, 3 बार गुणा करना है। यदि आप 3 बार गुणा करोगे कितने आएंगे 512, 6 को 3 बार करोगे माइनस 216, तो 4 बटा 3 गुणा 22 बटा 7, 512 में से आपको 216 घटाना है। यदि आप घटाओगे तो हमारे पास क्या आएंगे 296 आएंगे, 900 आएंगे क्या। अब आप किसी क्या छुट्टी हो रही है तो आप हर कर सकते हैं, 7 का भाग जा रहा है देखो 728 बच्चा 116 नहीं जा रहा, किसी भाग नहीं जा रहे हैं, तो आप इनको कर दीजिए इस सभी को, किंतु आप करोगे तो 4 को 22 से किया 88 और गुणा 296 बटा 721। अब इन 296 को 81 से इंटू करके तो आपके जो आंसर आएंगे और मैं लिख देता हूं लगभग आपके 1239.25 सेमी क्यूब लगभग। अब देखो 81 गुणा 296 इंटू किया 21 का भाग देंगे कितना आ जाएंगे 1244.25 सेमी क्यूब, इसके आपके पास आंसर आ जाएंगे। गुणा करके आप चेक कर सकते हो इसको, ऐसा है कि सुना है वापिस, हमने अभी सवाल किया था पांचवा, 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई कितने शंकु बनाए जा सकते, वही बात हो गई ना, उसमें बेलन था उसमें गोला बनाया था, इसमें गोला दे रखा है, तो गोले का आयतन ज्ञात करोगे, शंकु का आयतन ज्ञात करो, भाग दोगे, तो सूत्र क्या होगा, गोले का आयतन बटा शंकु का आयतन। उसी प्रकार हो गया सेम टू सेम क्वेश्चन जिस प्रकार आप क्वेश्चन पहले आपसे किए हो, तो इसमें 9 सेमी त्रिज्या धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या 6 सेमी ऊंचाई कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे, पहले गोले की बात कर लो, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या आप बड़ा मान लो इसको 9 सेमी, तो इसको हम अलग भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे हमने ज्ञात कर लिया गोले का आयतन, गोले का आयतन, और सूत्र क्या हो गया, गोले का आयतन 4 बटा 3 पाई आर क्यूब, बड़ा भी मान सकते हैं इसको, तो 4 बटा 3 पाई का मान पाई तो कट जाएगा, आर का मान क्या आपके पास 9 का क्यूब है। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, शंकु का ज्ञात कर सकते हैं, तो शंकु की त्रिज्या इसको समोलो आर मान लीजिए, ये दे रखा आपको 3 सेमी, हाइट दे रखी है 6 सेमी, और इसका क्या ज्ञात करना है, इसमें भी आयतन ज्ञात करना है आपको, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1 बटा 3 पाई आर स्क्वायर, एल सूत्र होता है 1 बटा 3 पाई का पाई, आर स्क्वायर आपको दे रखा है 3 का स्क्वायर गुणा एच दे रखा है 3, तो 3 से 3 6 18 पाई सेमी क्यूब। इनको हल कर सकते हो आगे आप लोग, जैसे इसको आगे हल कर दूं मैं सरल हो जाए, 4 का 3 पाई 9 गुणा 9 गुणा 9, तो जैसे 9 के पड़े से 3 कट गए, कर सकते हैं ना सर, तो इसको आगे भी हल कर सकते हैं, तो इसके आंसर कितने आ गए आपके पास, 4 4 3 12 गुणा पाई
गुणा 9 ने 81, मैं सॉर्ट कर रहा हूं उसको, ये हो गया। अब इसके अंदर गुणा करने की आवश्यकता नहीं, इसका भाग देने से क्या कर जाएगी अपने आप। अब आपको क्या पता है कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, तो शंकु की संख्या, शंकु की संख्या तो गोले का आयतन बटा एक शंकु का आयतन, यानी एक गोले का आयतन बटा एक शंकु का आयतन। गोले का आयतन था 12 गुणा पाई गुणा 81 और ये था 18 पाई, 18 पाई से पाई। अब ये बेटर है 6 2 12, 6 3 18, 3 से काटा 27, 27 को 2 से किया 54, तो आपके आंसर कितना आगे 54 शंकु। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए बोर्ड के एग्जाम से दृष्टि से आ सकता है ये प्रश्न। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो इनके जैसा ही है वापिस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है 10 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं, इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10 सेमी त्रिज्या के कितने गोले बनाए जाते हैं, 8 गोले, तो जो 10 सेमी त्रिज्या धातु गोला था 8 जो गोले बनाए गए दोनों का वजन क्या होगा, बराबर होगा। तो कह सकते हैं हम 10 सेमी गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या ये बड़ा गोला है, इसको आर मान लिए 10 सेमी बड़ा। अब आप समान गोले दे रखे उसकी त्रिज्या नहीं दे रखी, माना कि समान 8 गोलों में से प्रत्येक की त्रिज्या, अब प्रत्येक की त्रिज्या क्या मानेंगे हम, आर मानेंगे कि समान त्रिज्या वाले, तो इसमें समान त्रिज्या के कितने हैं गोले, 8 गोले, त्रिज्या सभी क्या होगी, बराबर होगी। तो कह सकते हैं देखो 10 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन बराबर कौन से गोले का आयतन, 8 समान त्रिज्या वाले गोले का आयतन बराबर होगा। मैम कभी 10 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन बराबर 8 समान त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तब सूत्र तो एक लगाते हैं 4/3 πr³, इन बढ़ा दे दिया, इसमें भी सूत्र एक लगाते हैं 4/3 πr³, किंतु त्रिज्या गोले हैं कितने 8, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बराबर में से या समान अंतर कट जाते 4/3 से 4/3, पाई से पाई कैंसिल, r³ कितना है इसके अंदर 10 से 10³ बराबर बचा क्या 8 × r³। अब आर का मान चाहे 8 गुणा में क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, ये कहेंगे ना भाग में आ जाएगा, तो इन पैसे भी लिख सकते हैं 10 को 10 से गुणा करेंगे कितने 1000, r³ बराबर लिख सकते हैं 8 बटन चला जाएगा, तो 1000/8 गुणा में भाग में आ गए। अब इसका क्यूब बैठाएंगे दोनों बराबर करेंगे, बराबर करेंगे देखो इसका घनमूल किया तो r³ 10 का 10 और 8 का कितना होता है 2, क्यूब से क्यूब भी आर का मान क्या बचा आपके पास 10/2, तो आर का मान क्या आ गया 5 सेमी आ गया, यानी इसका भी घनमूल ये क्यूब में इसको क्यूब में चेंज कर लिया ये आर का हो गया 2 × 10 में 2 का भाग दिया 5 सेमी। अब आप प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक इस प्रकार बने तो प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्र क्या सूत्र हो गया 4πr², ये तो है तो 4 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान 5 × 5। अब इसको पूरा हल कर लेंगे 5 × 5 हो गया, आ गया होगा समझ में आपके पास। अब इसको थोड़ा और हल कर सकते हैं, जैसे मैं इस पाई का मान 4/4 में लेके और समझने ऐसे लिख सकते 3.14 × 5/5, ये भी हो सकता है ना। अब 0.18 100 लगा दो, पाई का मान 22/7, 22/7 का भाग 3.14 आता है, 3.14 लेके एक क्यों लिखा देखो 5 × 5 = 25, 25 × 100 = 400, क्या क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी, हमारे पास आंसर कितने बचेंगे 314 सेमी² आंसर बच जाएंगे। सुनवागा हो गया, लाइक का बटन जरूर दबाए जैसे पता चले कि भी आपके समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप करना है, क्वेश्चन 9, यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेमी स्क्वायर है
तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपके पास गोले क्या दे रखा है, पृष्ठ क्षेत्रफल। आपको क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए इसकी। गोले का क्या दे रखा है, पृष्ठ क्षेत्र। लिख लीजिए जल्दी से, कितना सरल क्वेश्चन है आपके पास। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 5,544 सेमी स्क्वायर, 5,544 सेमी स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5,544 सेमी स्क्वायर है। सूत्र लगाइए इसका, 4πr² बराबर 5,544। क्या लगाया हमने, 4πr² बराबर 5,544। मान रखिए 4×22^7 आर का स्क्वायर 5,544। हमने प्रक्षांतरण किया तो आर स्क्वायर बराबर 5,544। देखो 7 ऊपर 22, 4×22 नीचे। अब 22 के पड़े से 5,544 को कैंसिल कर दीजिए, यदि आपको कैंसिल करना आता है। देखिए आता है क्या, चेक कीजिए। आर स्क्वायर बराबर, तो देखिए 2 के पड़े से काट लीजिए पहले, 2 का दिया 2×2 4, 2×7 14 हो गए। इसमें 2 का दिया कितनी बार गया, 11 बार गया। अब इसी प्रकार आपको 2,792 में भाग ले सकते हैं। क्या 4 का भाग जा रहा है इसके अंदर, 4 का भाग देखो, 4×4=20, 4×6=24, बचे कितने बाद में आपके 37, तो 4×36, 4×3=12। आपके पास संख्या क्या बच गई, 693×7/11 बच गई। अब 11 का भाग देखो जा रहा है क्या इसके अंदर, 11 भाग दो 11×66, बचे कितने 11×33। तो आर स्क्वायर बराबर 63 आ गए, 63 का टुकड़ा क्या होगा, 9×7×7। अब आर का स्क्वायर करेंगे तो आर बराबर √9×7×7। अब देखो आर बराबर 3×9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3 हो गया। इन दोनों में से एक ले लेंगे तो आपके पास आर का मान क्या आ गया, 21 सेमी आ गया। तो आ गया होगा समझ में आपके। अब इनके बाद आपको क्या चाहिए, गोले का आयतन चाहिए। कितना चाहिए क्वेश्चन है, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का सूत्र हो गया 4/3πr³। तो 4/3π का मान 22/7, आर कितने है आपके पास, 21 आई है। 21 को कितनी बार लिखना है, 3 बार। 21×21×21 देखो, 3×7=21, 7×21=21, 4×22 से किया 88, 7×3 से किया 21, और 21×21 से ऐसे 81, 21×21 से किया 4×41, और इसे इंटू कर दीजिए और उत्तर लिख दीजिए 38,808 सेमी क्यूब। हो गया सभी का। इतने अच्छे सवाल, इतने सरल सवाल है एकदम, धन्यवाद सभी को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 10वां में। अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक शिष्य के ठोस आयतफल की माप क्रम से 66 सेमी, 92 सेमी और 21 सेमी ज्ञात कीजिए। इसको पिघलाकर इससे 4.2 सेमी व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो आपके पास देखो, वैसे सवाल कितनी गोले, कितने सवाल बार बार ये सवाल आ रहे हैं, अतः इसका अर्थ हो गया कि ये सवाल इस प्रकार का आ सकता है आपके पेपर के अंदर। इससे ठोस आयतफल की, आयतफल के क्या तात्पर्य हो गया, आयतफल वाले कौन से होते हैं, घनाभ कहते हैं। ये जो माप किसका दे रखा है, घनाभ का दे रखा है आपको, तो इसको आयतफल के तात्पर्य घनाभ हो गया। तो आपका अर्थ क्या हो गया, क्या घनाभ का की लंबाई क्रम से हो गया ना बराबर 66 सेमी। घनाभ की लंबाई कितनी हो गई, 66 सेमी। चौड़ाई क्या हो गई, 42 सेमी। ऊंचाई क्या हो गई, 21 सेमी। अब आपको क्या दे रखिए, गोले पिघला, इसको पिघला कर क्या बना दिया गया, गोले का व्यास हो गया। तो गोले का व्यास, तो गोले का जो व्यास दे रखा है 4.2 सेमी, और त्रिज्या क्या हो गई, 4.2/2 आर बराबर 2.1 सेमी। आपको क्या चाहिए, इसके अंदर कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, तो इसको सीधा ही कर लो, गोलियों की संख्या। तो वैसे क्वेश्चन हो गया ना वापिस, आप गोलियों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं तो कैसे ज्ञात करोगे, घनाभ का आयतन, आयतफल की ठोस का आयतन, या फिर क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, घनाभ का आयतन बटा 1
गोले का आयतन ये लिख सकते कि भी इसमें त्रिज्या आपको दे रखी है, एक करना है तो आयतन ज्ञात करना है, घनाभ का आयतन बटा है गोले का आयतन, घनाभ का आयतन एल गुणा बी गुणा एच और इनका हो गया चार बटा तीन पाई आर क्यूब। ये लगाएंगे तो एल का मान क्या हो गया इसके अंदर देखो 66 गुणा 42 गुणा 21। अब आपको पता है कि यहां पर 4/3 है तो ये 3 ऊपर चला जाएगा बटा दो बार हो गया। पाई का मान आपको पता है क्या लेना है 22 लेना है, 22 का 7 ऊपर चला जाएगा। आर का क्यूब कितना लेना है 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1 कितनी बार लेना है 3 बार लेना है। सब कुछ ऐसी लिखिए कितनी सरल सी बात होगी, सब कुछ चीजें आपके पास है। देखो 22 × 44 22 × 66 ये हो गया, कैंसिल हो गई संख्या पूरी के पूरा पूरा गए। अब 22 के बड़े संख्या कट गई। अब आपके पास देखो 2.1 × 2.1 कितनी बार है 3 बार है तो 10 कितनी बार लगा दूं मैं 3 बार लगा दूं पॉइंट हटाने के लिए। चलो ये पॉइंट हट गया, पॉइंट इसके लिए लगाया ना हमने। अब देखिए इसके अंदर 21 से 21 के इस 21 से 21 × 42 हो गए कट गए। अब देखो 3 × 7 = 21 7 × 7 कैंसिल, 4 बचा केवल तो 4 2 × 2 = 2 2 × 4 2 से 5 बार संख्या बची क्या 3 × 5 × 10 × 10 तो 3 × 15 आगे 2 0 लगा देंगे तो टोटल जो कितनी गोलियां बनाई जा सकती है इनसे 1500 गोलियां बनाई जा सकती है। इनसे छोटी छोटी गोलियां हो जाएगी एक आयतफल की ठोस से ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब नीचे लाल बटन सा दे रखा है उसको जरूर दबाएं और पढ़ते रहिए।